देखिए यहाँ पर साथियों, ये है असली जगह जो जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था, और प्राचीन महल है ये राधा रानी का। देखिए ईंट देखिए, और पूरा देखिए वहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरा पूरा प्राचीन महल है ये राधा रानी जी का। हमने आपको अंदर से भी दिखा दिया है, और इसी प्रकार से पूरा बना हुआ है, इधर से उधर तक आप देख सकते हैं। तो साथियों अभी हम आपको राधा बाग में लेके जाने वाले हैं। यह प्राचीन कुआ है राधा रानी जी के महल में, जो असली महल है बरसाना। तो चलिए साथियों अभी हम आपको राधा रानी जी का झूला दिखाते हैं, जिसमें राधा रानी झूला करती थी। साथियों अभी हम आप पहुँचे हैं श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान पर, हमारी लाडली राधा रानी जी के जन्म स्थान पर। काफ़ी सारे लोग ये समझते होंगे कि राधा रानी जी का जो जन्म था वो बरसाने में हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण भगवान गोकुल में रहते थे, उसके बाद नंदगांव गए, उसी प्रकार से राधा रानी जी का जो असली जन्म स्थान था वो यही वाला गाँव है। इस गाँव का नाम है रावल। जैसे ये गोकुल के पास नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर राधा रानी जी का जन्म हुआ था। काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि राधा रानी जी का जो जन्म स्थान है दिखाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राधा रानी जी का जन्म स्थान ग्राम रावल, पुराना बरसाना, महावन मथुरा। ये महावन में पड़ता है। अभी हम जो रावल गांव है उसके मेन एंट्री पॉइंट पे खड़े हो, और यहाँ पे आप सामने पढ़ सकते हो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है श्री लाडली लाल श्री राधा रानी रावल धाम पुराना बरसाना। तो साथियों ये पुराना बरसाना है, और ये कहा जाता है कि राधा रानी जी का ननिहाल है, यहाँ उनकी नाना नानी रहती थी, और यहीं पर राधा रानी जी का जन्म हुआ था। पूरी कहानी पूरी कथा हम आपको चल के बताएंगे। लगभग यहाँ से 400 मीटर चल कर राधा रानी जी का वही महल वही मंदिर प्राचीन मौजूद है। साथियों अभी हम राधा रानी जी के मंदिर में आ चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम राधा रानी जी के आपको दर्शन करा देते हैं, फिर यहाँ की कहानी है कथा है पूरी आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं, क्योंकि समय ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं, आइए। जय हो राधा रानी की। जैसा कि साथियों हम आपको अभी राधा रानी जी के मंदिर में ले गए थे दर्शन कराने के लिए, लेकिन वहाँ जो सेवाएं थी वो कुछ ही कार्य में व्यस्त थी, तो उन्होंने हमसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला। तो हम आपको दर्शन तो कराएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उन्होंने हमसे ये बोला कि आप तब तक राधा रानी जी का जो बाग है वो दिखा के आइए। और उन्होंने बताया कि राधा रानी के जो बाग है वहाँ पर एक ऐसे वृक्ष मौजूद हैं जिसमें राधा और कृष्ण आज भी दोनों एक ही वृक्ष में और जोड़ी में रहते हैं, और वहाँ पर राधा रानी का झूला भी मौजूद है। मतलब बहुत सारे ज़्यादा प्राचीन वृक्ष हैं, आज से 5000 वर्ष पुराने वृक्ष मौजूद हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथियों अभी हम आपको राधा बाग में लेके जाने वाले हैं, जो कि यहीं रावल गांव में स्थित है, और आपको दिखाते हैं। तो साथियों ये आप देखिए, ये है राधा बाग, और जैसे ही आप इसके अंदर घुसते हो आपको मनमोहक दृश्य एकदम दिखने के लिए लगेगा। और यहाँ पर नाना प्रकार के अशोक के अमरूद के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, और आप इसकी बनावट भी देख सकते हो। यहाँ की ईंटें वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही प्राचीन और उसी समय का वृक्ष है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप सामने ये वाला स्थान देख रहे हो, इसी जगह हमारे राधा और कृष्ण झूला करते थे, यहाँ उनका झूला मौजूद है, लेकिन वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी हम आपको जो एक स्थान है वो दिखाने के लिए जाती हूँ, हम आपको जल्दी से दिखा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और हमें आपको दर्शन भी कराने हैं। आइए चलते हैं। शाम का जो पहर होता है ना, वो अपने आप में ही एक आनंद करने वाला पहर होता है। आप देखिए इस समय जो वृक्ष पे हमारे मयूर जो हैं आ चुके हैं, और जहाँ हमारे कृष्ण भगवान और राधा जी का प्रेम हो, वहाँ मयूर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना, वो यह वाला वृक्ष है, और इस वृक्ष में आप दोनों में अलग से ही फ़र्क बता सकते हो। ये थोड़ा ये वाला तना ये ब्लैकिश टाइप का है, और ये पीपल का पेड़ है वाइट टाइप का है, और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपटे हुए हैं जैसे बिल्कुल एक हों ये। और कहा जाता है कि यही वाले जो वृक्ष हैं ये राधा और कृष्ण हैं, जो कि आज भी हमारे कलयुग में किसी रूप में खड़े हुए हैं। देखिए और मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, देखिए पूरा जो वृक्ष देख रहे हो यही राधा और कृष्ण माने जाते हैं, और ये एक प्रमाणित जगह है रावल, जहाँ पर राधा कृष्ण जो हमारे राधा रानी का जन्म हुआ था। और आप इधर देखिएगा दोस्तों, वृक्ष के अंदर भी जड़ें देखिए बिल्कुल घुसी हुई हैं, बिल्कुल समाई हुई हैं, जैसे हमारे कृष्ण और राधा जी के एकदम अटूट प्रेम था, उसी प्रकार से यहाँ पे जो पूरा प्राचीन है दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कोई बनाया हुआ स्थानों की कोई मानव निर्मित चीज़ हो। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो डाली थी उसमें लोग कहते हैं कि मानव निर्मित चीज़ें दिखा रहे हो, ये कोई मानव निर्मित चीज़ नहीं है और ये एक नेचुरल चीज़ है। मैं भी काफ़ी सारे लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए रावल गाँव में और ऐसी जगह और ऐसी चीज़ मिलना अपने आप में एक अद्भुत जगह है, और अपने आप में एक
शांति का अनुभव होता है इसी जगहों को दर्शन करने के लिए। और वैसे ही राधा कृष्ण के लिए तो कहा जाता है कि वो दो जिस्म और एक जान है, वो मतलब कभी अलग हुए ही नहीं, बिल्कुल मतलब उनका तो प्रेम एकदम अटूट है, दुनिया को सिखाने वाला है और आज भी सिखा रहा है उनका प्रेम किस प्रकार। तो साथियों अभी अंधेरा हो चुका है लेकिन फिर भी हम आपको पूरे दर्शन कराने के लिए जाएंगे क्योंकि शाम का पहर है ना, इस समय बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है हमें, सच में रावल में बहुत आनंद आ रहा है। तो अभी हम आपको राधा रानी जी और कृष्ण भगवान का झूला दिखाने वाले हैं जहाँ पे वो झूला करते थे। और देखिए यहाँ प्राचीन कुआं भी मौजूद है, देखिए यह प्राचीन कुआं है राधा रानी जी के महल में, जो पर भी अंधेरा हो रहा है देखिए, लेकिन आप इधर से दिखाइएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राधा रानी जी का झूला, जो आप देख पा रहे होंगे ये राधा रानी जी का झूला है और यहाँ पे आज भी हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान उसी भाव से उसी प्रेम से झूल रहे हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन, और कोई कोई होता है जो यहाँ पर पहुँच पाता है, बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। राधा रानी जी का बाग था उसके दर्शन करा दिए और यहाँ पे कितने सुंदर दर्शन थे हमारी राधा रानी और ठाकुर जी के, जो कि एक ही पेड़ में आज भी समाहित हैं। मतलब ऐसे दर्शन देख के धन्य हो गया मैं तो सच में। राधा रानी जी का प्राचीन जो महल था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो दिखा देते हैं, देखिए यहाँ की आप ईंटें देख पाओगे साथियों, देखिए देखिए यहाँ पर साथियों ये है असली जगह जो जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था, और प्राचीन महल है ये राधा रानी का, देखिए ईंटें देखिए और पूरा देखिए वहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरा पूरा प्राचीन महल है ये राधा रानी जी का, हमने आपको अंदर से भी दिखा दिया है और इसी प्रकार से पूरा बना हुआ है, इधर से उधर तक आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से देखिए पूरा उसी समय का सिर्फ इतना ही टुकड़ा बचा हुआ है, देखिए इधर भी आप देखिए, और पूरा राधा रानी जी का प्राचीन महल यही वाला मौजूद है। यहाँ पर रावल गांव दिया गया है वो वर्तमान समय में बना दिया गया है जहाँ पे हमारी राधा रानी जी प्राप्त हुई थी, आपको दर्शन कराते हैं हमारी लाडली राधा रानी जी के बाल स्वरूप के। आइए साथियों, हमने आपको राधा रानी जी का बाग दिखा दिया है और हमने आपको बोला था कि सेवाएं जो है आपको पूरी कहानी पूरी कथा बताएंगी मंदिर की, तो हमारे साथ में यहाँ पे माता जी मौजूद। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा देवी है। अच्छा, तो मैं यहाँ की सेवायत हूँ और मुझे सेवा करते हुए कम से कम 23 साल हो गए। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आपको राधे राधे। हाँ, राधे राधे। और मैं मानता हूँ कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि राधा रानी जी का, मतलब जिनको नहीं पता ये बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो ये मानते हैं कि राधा रानी जी का जो जन्म था वो बरसाना में हुआ था। नहीं, राधा रानी का जन्म स्थान रावल है, पुराना बरसाना यही है, यहीं पे पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। हाँ, जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी भानु यहीं पे रहते थे। अच्छा, नहीं मैंने सुना था कि लोग कहते हैं कि उनका ननिहाल है ये। नहीं, ननिहाल नहीं है इनका, ये बृज भानु जी और कीर्ति मैया का ये घर है। अच्छा, घर से ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा, उनका ननिहाल तो मुखड़ई में है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यहाँ यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो, कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए, है तो ये पुष्प लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद की हुई उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे, सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए, सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से बीज भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे, जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा, जब उनके दोनों नेत्र खुले। अच्छा, मतलब देखते ही वो, मतलब वो तो उनकी एक लीला थी, मैं मान सकता हूँ। खुले तो कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए, कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मर का सुर, कभी वर का सुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी
और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे विषभानु जी। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। अच्छा, सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए। माता जी, हमने तो सुना है कि लोग कहते हैं कि विषभानु जी के पास अधिक गाय थी। वही तो विषभानु के पास तो बोल रहे 11 लाख नहीं, जो नंद बाबा के पास अधिक गाय थी तभी तो कृष्ण भगवान नहीं चराते थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, इतना ही सुना है लगभग, लोग भी इतना ही जानते हैं। 9 लाख 9 लाख गाय थी। तो जब कंस बड़ा उत्पात मचाया तो परेशान हो गए नंद बाबा, तो सबको लेके यहाँ पे आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा परेशान कर रखा है, बड़ा दुखी कर रखा है, इससे अच्छा तो कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। अच्छा, हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ हुई, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। बरसाना में हाँ, इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान उसका पर्वत का नाम मैं मानता हूँ ब्रह्मांचल। हाँ, ब्रह्मांचल बिल्कुल। तो मतलब उनके नाम पे ही बरसाना और नंदगांव का नाम पड़ा था, नंद बाबा और विषभानु जी के नाम। यानी वहाँ चले गए तो वहाँ पे पुराना बरसाना तो यही है, वो बात का बरसाना है जब बसे वहाँ जाके। तो यहाँ पे इनको कहते हैं, यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल लाडली लाल। और वहाँ पे कहते हैं जड़ी बड़ी हो गई जब राधा रानी, तो वहाँ पर उनको किशोरी जी बोलते हैं। ये जो आप मुद्रा देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो, ये शंभू प्रगट है, उसी जगह से प्रकट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह ना, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हूँ। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चले तो यमुना का किनारा है, गाय चरते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा, जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है, पीछे गर्भगृह है जहाँ से राधा रानी हाँ कमल के फूल में प्रकट हुई थी, उसी जगह वो गैया खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम प्रकट है। फिर विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया, वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप। वो आज भी आप ऊपर जाके दर्शन करिए ना उसको, एक राधा का स्वरूप है, एक कृष्ण का स्वरूप है। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप इधर से जाइएगा, इधर से उतर जाइएगा। और जो बगीचे में जो दो पेड़ है, एक काला और एक गोरा, जो लिपटे हुए हैं, तो जब राधा और कृष्ण दोनों खेला करते थे वहाँ पे, तो राधा रानी बड़ी नाजुक थी, उनको बहुत गर्मी लगी राधा रानी को, तो भगवान ने उनके लिए छाया किया यमुना के किनारे में। तो वही एक प्राण दो देह का पेड़ है, एक तो मोरछली का है, एक पीपल का है। मोरछली का हाँ, और पीपल का है। वो वही राधा और कृष्ण का स्वरूप है, स्वरूप है आज भी। आज भी वो दोनों ऐसे चिपटे और उस पेड़ का कोई अंदाज नहीं, कई वर्ष जब से राधा रानी प्रकट हुई तब का पेड़ है, उसी टाइम का द्वापर का पेड़ है। साथ ही जैसा कि माता जी बता रहे हैं कि ऊपर वही वाला कलील का वृक्ष मौजूद है जहाँ पे राधा रानी की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे। जैसा कि माता जी हमें बता रही हैं कि राधा रानी का, हमारा राधा रानी का इतना सुंदर बाल स्वरूप देखिए, जैसे घुटनों में चल रही हैं, जैसे कृष्ण भगवान का तो आपने हर जगह देखा होगा ऐसे घुटनों में चलते हुए, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब धन्य हो गया। तो साथियों यहाँ पे हम आपको अभी वह वाला वृक्ष दिखाने वाले हैं जहाँ हमारी जो लाडली जी थी, जो राधा रानी थी, वह प्राप्त हुई थी। और जो कलील का वृक्ष है जो कि यहाँ मौजूद है, जिसकी कोई तना नहीं है, कोई ज़मीन में कोई जड़ नहीं है, जो कि आज भी हरा भरा है, और उसी के नीचे
राधा रानी हमारी एक पुष्प में प्राप्त हुई थी। बहुत ही अद्भुत दर्शन है और बहुत ही मैं कहूँ के मन को मोह लेने वाले दर्शन है हमारे ब्रिज में। आइए हम आपको दिखाते हैं। आप वो सामने जो कलील का वृक्ष देख रहे हो उसकी आप देखिएगा कोई भी जड़ नहीं है। थोड़ा जूम करके दिखाइए नीचे की तरफ, वहाँ आप देखिएगा कोई भी जड़ नहीं है। और इसी कलील के वृक्ष के नीचे एक गाय ने जो यहाँ पे दूध दिया था चारों थनों से, और यहीं पे हमारी राधा रानी जी एक कमल के पुष्प में प्राप्त हुई थी। यही राधा रानी जी का गर्भगृह माना जाता है, जस्ट इसके नीचे ही मंदिर बना हुआ है। एक बार मेरा भी मन है कि इसको स्पर्श किया जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉक लग रहा है तो हम आपको दूर से ही दिखा पा रहे हैं। आप एक बार अच्छे से और दिखा दीजिए। बहुत ही प्राचीन कलील का वृक्ष है, आप कह सकते हो कि बहुत अत्यंत प्राचीन वृक्ष है ये। देखिए मैं आपको इधर से ज़रूर दिखा सकता हूँ, आप देखिए साथियों यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसकी कोई भी जड़ नीचे नहीं है। देखिए नीचे आप दिखा दीजिए, कोई भी जड़ नीचे नहीं है, सिर्फ ये जो इसकी जड़ है सिर्फ इस महल में से, इस भवन में से ही निकल रही है, जो राधा रानी जी का महल है, और कोई भी जड़ नहीं है। और ये हमेशा हरा रहता है, पूरी साल ये हरा रहता है, और यही राधा रानी जी का एक चमत्कार कह सकते हैं जो उनका जन्म स्थान ऐसा है। और इधर देखिए कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा आ रहा है भाई साहब। देखिए ये है ब्रज की कृपा, ये राधा रानी जी का पूरा रावल गांव देखिए कितना सुंदर है, और कितना सुंदर कुंड बना हुआ है। और आप मेरे उस ओर देख रहे होंगे, मेरी उंगली के सहारे पे उस ओर आप देख रहे हो ना, वो यमुना नदी है। देखिएगा वो यमुना नदी है, और ये वाला भाग था ना, ये यमुना नदी में ही मौजूद था किसी समय पे। साथियों लाडली राधा रानी जी का आपको जन्म स्थान देख के बहुत अच्छा लगा होगा, मैं भी, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, और आपने पहली बार ये ऐसा स्थान देखा और पहली बार आप लोगों को पता चला है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस स्थान को देख सकें और दर्शन कर सकें। और फिर साथ ही उतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे।